जी। अच्छा मौलाना साहब, मैं यकीन, आप यकीन करें, मैं मतलब आपकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मतलब आपने बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन मुत्तफिक दिया हुए हैं आप आपकी इनकी बात बातें सुनने के बाद, आपकी जो एग्री बात कर है रहे ना हैं। कि आपकी बड़े बात खुश से नसीब आपकी है बात मौलाना मैं साहब के, मौलाना ये साहब जो मैंने कॉलर है मौलाना साहब ना, बताया ये कि आपकी आपका बात धर्म से जो एग्री है कर गए, इस्लाम का बड़ी होता बात है। है मौलाना साहब ने, नहीं मौलाना साहब ने हकीकत बताया कि इस्लाम हलक तक होता है, यहाँ तक होता है। तो जी। मौलाना साहब देखिए, मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है, लेकिन आप यकीन करें कि अहले सुन्नत का जितने मौलाना आप देख लेंगे ना, आपको दो नंबर ही देखेंगे। अहले सुन्नत का जितने मौलाना आप देख लेंगे ना, आपको दो नंबर ही देखेंगे। आप यकीन कीजिएगा, मेरा ताल्लुक अहले अरे सुन्नत से है, लेकिन दो नंबर ही मौलाना है वहां पर। आपको कोई भी जो है ना, कोई सही जवाब नहीं देगा मौलाना वहां का, अहले सुन्नत का। और आपने आज आकर अच्छा जवाब दिया, और सही के मानों में आपने आज तर्जुमानी की है मजहब की भी, इस्लाम की भी, और उसकी जो अकायद है और उसके जो हुकूक है, सबसे आपने आकर उसके आपने उजागर किया सारा। तो मेरा एक सवाल मौलाना साहब आपसे यही है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी इंतशार पसंदी, ये क्या चीज है? मतलब अगर 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 इस्लाम के नाम अगर लेते हैं हम, कि ठीक है कि मुसलमान है, कहते हैं हम तो बहुत ही वो है और अपने आप को हमें गुरूर है कि हम मुसलमान है, तो ये इंतहा पसंदी, मजहबी पसंदी, ये कहाँ शिद्दत पसंदी कहाँ से आ गई है? ये देखें, ये इंसानी वाला अगर मैं हकूक मौजू से आप डिस्कस बात करूंगा कर रहे चला हैं, जाएगा। हकूक की, खवातीन के हकूक की। देखें, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट एक बात बोलता हूँ, शायद आपको पसंद आए या किसी को पसंद नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगी। हम इस्लाम कहते हैं कि हम मजहबी लोग हैं, ठीक है, हमारी फौज मजहबी है। आप उसी फौज ने 10,000 10 लाख खवातीन और मर्द हजार को बच्चों को काट दिया, उनकी इज्जत लूटी बांग्लादेश के अंदर, तो वो कहाँ की फौज है? वो मुसलमान कहेंगे क्या उसको? हम बताइएगा जरा, हम क्यों इस बात को जाकर नहीं मुझे कहते कि फैसल इस्लाम भाई एक क्यों सवाल का उनकी जवाब दे फौज दें, ये ने पॉलिटिक्स का औरतों शो की चल रहा है। गलतें करी, उनकी इज्जतें लूटी है, आप उसको पाक कहते हैं? आप इसमें थोड़ा तफसील कीजिएगा। इस मौजू को अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये एक इख्तलाफी मौजू बन जाएगा। बिल्कुल सही इसके कहा बारे आपने। में अगर आप बात है इसके मौलाना साहब, आप जो करेंगे हकायक के मबनी पे करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर सकते, मुझे अंदाजा है। फिर भी आपको अंदाजे के बावजूद भी अफसोस की बात है मैं कि आपको आपने एक बता एयर पे दूं, आके ये अगर बात एक की और बात मैंने आप सुन आपको लीजिए, एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे मैं सारे लोग आपको पकड़ लेंगे, मुझे ईमेलें आने शुरू हो जाएंगी कि आपको इस वक्त ड्रॉप करना चाहिए नहीं, था। हर आदमी जो मुसलमान कहता है वो कलमा पढ़ता है। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।